आज फिर तुम पर प्यार आया है एपिसोड 8। लगातार सोच सोच कर राहुल का सिरदर्द शुरू हो गया। एक हाथ में किताब थी, नजरें किताब पर थीं, पर दिमाग में सिर्फ सवाल थे। दूसरा हाथ लगातार माथे को सहला रहा था। जिस तरह विंडो सीट से किनारे की सीट पर पहुंच गया था राहुल, कुछ ऐसा ही तो जिंदगी में हो रहा था। राहुल के मन में डर था तो गुस्सा भी आ रहा था। इतने में प्लीज एडजस्ट वाले परिवार की महिला ने चाय का कप राहुल की तरफ बढ़ा दिया। प्लीज ले लीजिए, सिरदर्द ठीक हो जाएगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए चाय का कप पकड़ लिया। थैंक यू मैम, राहुल ने कहा। वहीं बुजुर्ग ने भी तुरंत अपने पास से दवाइयां निकालकर सिरदर्द की गोली राहुल की तरफ बढ़ा दी। राहुल ने हिचकिचाते हुए गोली ले ली। राहुल को ये अलग तरह का अनुभव हो रहा था। उसकी दुनिया में हर काम मतलब से होता था, पर यहाँ किसी को उससे मतलब निकालना नहीं था, लोग सही में मदद कर रहे थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। राहुल रात भर सोया नहीं था। सिरदर्द कम होते ही उसकी आंखों पर नींद छानी शुरू हो गई। जब ट्रेन शुरू होती है तो अक्सर तालमेल नहीं होता, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ एक तालमेल, एक रिश्ता ट्रेन के यात्रियों में बनना शुरू हो जाता है। राहुल को नींद आता देखकर उसे ऊपर की बर्थ में लेटने को कह दिया गया। करीब एक घंटा बीता होगा, राहुल की नींद खुली। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी थी। राहुल कुछ देर लेटे रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान नीचे से आ रही आवाजों ने खींच लिया। नीचे सीट पर बैठे युवक के फोन पर तेज आवाज में न्यूज चल रही थी। इस बार बुजुर्ग के साथ साथ बाकी लोग भी न्यूज की आवाजों पर ध्यान लगाए हुए थे। न्यूज पर राहुल सिंघानिया पर लग रहे आरोपों की ही खबर आ रही थी। राहुल ने ऊपर की सीट से नीचे झांका। लोग बड़े ध्यान से न्यूज सुन रहे थे। बिजनेसमैन राहुल सिंघानिया पर रेप का आरोप। आरोप लगाने वाली लड़की ने टीवी पर दिया बयान। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द हो सकती है राहुल सिंघानिया की गिरफ्तारी। राहुल ने सिर पर हाथ मारा और ऊपर ही लेटा रहा। इस खबर को सुनने के बाद उसकी नीचे आने की इच्छा ही खत्म हो गई। जिस बात का डर था वही हो गया। कामनी ने अरु को इस्तेमाल कर उसके खिलाफ जाल बिछाना शुरू कर दिया था। काश गोपाल जी जल्दी से रास्ता निकाल लें, वरना ये तो फंसाने का पूरा इंतजाम करके बैठी है, राहुल ने मन ही मन सोचा। कुछ ही देर में न्यूज वाले राहुल का पक्ष दिखाना शुरू कर चुके थे। राहुल सिंघानिया कुछ वक्त पहले ही इन आरोपों को गलत बता चुके हैं। उनकी तरफ से उनकी फियांसी ने मीडिया के सामने आकर आरोपों को गलत बताया था। सारे आरोप बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, तस्वीरें गलत मंशा से खींची गई हैं। मेरे फियांसे राहुल सिंघानिया पूरी तरह निर्दोष हैं। मैं उस वक्त राहुल के ही साथ थी। That's it। टीवी पर अरु के आरोपों के साथ साथ कामनी का बयान भी चल रहा था, लेकिन राहुल की फोटो स्क्रीन पर लगातार चिपकी हुई थी। राहुल को पहचाने जाने का डर था। वो ऊपर से ही नीचे हो रही बातों पर ध्यान लगाए था। कैसा जमाना आ गया है, देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसा गुल खिला रहे हैं, बुजुर्ग ने कहा। अंकल पर उसकी फियांसे तो बोल रही है ना कि वो उस वक्त राहुल के साथ थी, उस लड़के ने कहा। कोई लड़की झूठ क्यों बोलेगी, महिला ने सवाल उठाया। हाँ क्यों नहीं बोल सकती, राहुल सिंघानिया अमीर आदमी है, उसके पैसे के लिए कोई भी झूठ बोल सकता है, उसे फंसाने की साजिश भी तो हो सकती है, महिला के पति ने जवाब दिया। हाँ ऐसा नहीं होता है, हर महिला को अपनी इज्जत प्यारी होती है, कोई ऐसे झूठे आरोप थोड़ी लगाता है, महिला ने तुनक कर कहा। अरे भाग्यवान सब तुम जैसी नहीं होती, दुनिया में हर तरह की महिलाएं होती हैं, पति ने कहा। इस बात पर दोनों में छोटी सी तकरार ही शुरू हो गई। बाकी लोग
इस तकरार का मजा ले रहे थे, सिवाय राहुल सिंघानिया के, जो प्रेम के नाम से सफर कर रहा था। वो इस बहस का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था, बल्कि वो तो चाहता था उसकी तरफ किसी का ध्यान जाए ही ना। राहुल कुछ देर कान लगाकर बहस को सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन बहस राहुल से हटकर मियां बीबी के झगड़े पर आ गई। चर्चा बंद हुई तो राहुल ऊपर की बर्थ से उतरा और स्टेशन पर टहलने लगा। अब तक उसे लगता था कि दुनिया उसके आगे पीछे घूम रही है, पर यहां दुनिया को उसके होने या ना होने से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ तब तक जब तक वो किसी के रास्ते में ना आ जाए। राहुल ट्रेन में चढ़ा तो इस उम्मीद में कि अब तक चर्चा बंद हो गई होगी, पर तभी टीवी पर फिर से ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। इस बार ब्रेकिंग न्यूज में चर्चा हो रही थी कि कैसे राहुल की तरफ से अदालत में जमानत की याचिका दाखिल कर दी गई। वकील गोपाल शाह ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। अपने सीट तक आते आते उसे कई जगह यही न्यूज सुनाई देने लगी। राहुल मुंह छिपाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया तो फिर से वही बहस चल पड़ी। दोनों महिलाएं एक तरफ थीं, जबकि बाकी दो पुरुष एक तरफ। बुजुर्ग कभी इधर तो कभी उधर का पाला बदल रहे थे। महिला ने राहुल उर्फ प्रेम को भी बहस में शामिल कर लिया। आप भी तो जेंट्स हैं, आप भी राहुल की तरफ होंगे, महिला ने कहा। मैं राहुल मतलब वो जो भी करे मुझे क्या, राहुल ने कहा। हाँ हाँ, आप जैसे लोगों की वजह से ही तो बुरे लोग बढ़ते हैं, ऐसे मामलों में ना भैया चुप नहीं रहना चाहिए, दूसरी महिला ने कहा। मतलब मेरे बोलने से क्या होगा, राहुल ने कहा। ब्रो ऐसा नहीं है, उस पर केस साबित नहीं हुआ है, उसे फंसाया जा रहा है, साफ दिख रहा है, सीट पर बैठी युवक ने कहा। हाँ हाँ, एक बार उसकी जगह अपने आप को रखकर देखो ना, फिर कहना, महिला के पति ने युवक का साथ दिया। राहुल इसी तुलना से बचना चाह रहा था, हालांकि अब वो क्लीन शेव था, कपड़े भी आम लोगों जैसे ही थे, पर उसे पहचाने जाने का डर था। मैं उसकी जगह, मतलब उसकी अपनी लाइफ है, राहुल ने कहा। ब्रो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश मत करो, साफ कहो, वैसे शक्ल तो आपकी भी मिलती है उस राहुल से, सोचो सोचो आप पर कोई लड़की ऐसे झूठे इल्जाम लगाएगी तो, युवक ने कहा। हम कह रहे हैं कोई लड़की ऐसे ही आरोप नहीं लगाती, धुआं वहीं उठता है ना जहां आग होती है, महिला ने कहा। ना ना ना, देश के कानून ना लड़कियों की तरफ झुके हुए हैं, कुछ साबित करने की भी जरूरत नहीं होती, महिला के पति ने पलटवार किया। राहुल घबरा कर बोल ही पड़ा। एक्चुअली सबूत, कोई तो सबूत होना चाहिए ना, बिना सबूतों के आरोपों को सच नहीं माना जाना चाहिए। लाइक उस लड़की को देखो, कोई मेडिकल कराया क्या, कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई मैसेज, कुछ भी नहीं, बस सामने आकर आरोप लगाया और सभी ने सच मान लिया, राहुल ने कहा। हाँ हाँ, देखो देखो, मैंने तो पहले ही कहा था जेंट्स हैं तो जेंट्स की साइड लेंगे, आप बताइए रेप का क्या सबूत होता है जी। कई सारी महिलाएं तो बदनामी के डर से पुलिस के पास जाती भी नहीं है, महिला ने कहा। हाँ हाँ, बात सही है, लेकिन सारे आरोप सच हों ये भी तो जरूरी नहीं ना, कोई लड़की फंसाने के लिए भी तो ऐसा कर सकती है, राहुल ने कहा। राहुल का इतना कहना था कि दोनों महिलाओं ने राहुल और प्रेम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों मानने को तैयार नहीं थी कि कोई महिला ऐसा कर सकती है। इस वक्त राहुल इस हालत में नहीं था कि वो बता सके दुनिया कैसी लोगों से भरी है, कैसे कामनी ने उसे फंसाने के लिए पूरा गेम प्लान तैयार किया है। पर अभी तो उसकी चुनौती थी इस बहस से अपने आप को बचाने की, जो संभव हो ही नहीं रहा था। उसकी दूसरी चुनौती अपने आप को पहचाने जाने से बचाने की थी। पर राहुल की नजरों में डर था, क्योंकि सामने बैठा युवक बार बार अपने फोन और फिर राहुल को देख रहा था। कहते हैं जब इंसान के मन में चोर होता है तो उसे लगता है हर निगाह उसी को घूर रही है। जब इंसान के पैर में चोट लगी हो
तो उसे लगता है हर इंसान बस उसके पैर पर पैर रखने ही वाला है। राहुल की हालत भी वैसी ही थी। उसे लग रहा था सभी उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वो फिर से ऊपर की बर्थ पर जाकर लेट गया और चर्चा के खत्म होने का इंतजार करने लगा। ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी थी। वहीं न्यूज वालों को मसालेदार खबर मिल गई थी। न्यूज में बिजनेसमैन था, खूबसूरत लड़की थी, स्कैंडल था, साजिश थी, इसलिए हर थोड़ी देर में न्यूज प्रसारित हो रही थी। राहुल सीट से उतरता भी तो कुछ देर में वापस बर्थ पर चढ़कर लेट जाता। ट्रेन के सफर में चर्चा के लिए मसाला चाहिए ही होता था जो राहुल की न्यूज ने दे डाला। चर्चाओं का अंतहीन सिलसिला जारी था। इस चर्चा में राहुल को छोड़कर सबको मजा आ रहा था। हालांकि राहुल के कान पूरी तरह चर्चाओं पर ही लगे थे, लेकिन एक दूसरी मुसीबत राहुल का इंतजार कर रही थी। मुंबई से निकला तो स्लीपर क्लास की भीड़ ने ही उसे तंग किया था, लेकिन ट्रेन के आगे बढ़ते बढ़ते उसके पसीने छूटने लगे। गर्मी बढ़ रही थी। इस गर्मी की आदत राहुल को बिल्कुल भी नहीं थी। उफ, नो एसी, दम घुट जाएगा मेरा, राहुल ये कहते हुए चिल्लाना चाहता था, पर माहौल को देखकर उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। ऊपर की बर्थ पर लेटे लेटे पंखा भी गर्म हवा फेंकने लगा। राहुल के कपड़े पसीने से गीले हो गए थे। उसका पसीना सिर्फ जिम में ही निकलता था, वो भी पूरे एसी रूम में। राहुल से गर्मी सहन नहीं हुई तो वो ट्रेन के गेट पर जाकर खड़ा हो गया, जहां चलती ट्रेन से हवा आ रही थी। हवा गर्म थी लेकिन ऊपर की बर्थ से बेहतर थी। ब्रो, तुम्हें आदत नहीं है ना इतनी गर्मी की, उसके पास बैठा युवक भी उसके पीछे पीछे आ गया। हाँ, आज कुछ ज्यादा ही ह्यूमिड है, राहुल ने माथे से पसीना पहुंचते हुए कहा। ब्रो, अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है, एसी सीट बुक क्यों नहीं की, उस युवक ने कहा। सीट नहीं थी, राहुल ने टालने वाला जवाब दिया। ब्रो, उसने अच्छा नहीं किया, लड़के ने कहा। किसने, राहुल अब भी चीजों को उजागर नहीं करना चाहता था। उसी ने, क्या नाम था उसका, आई हैव रीड समवेयर, लड़के ने कहा। राहुल जवाब नहीं देना चाहता था। वैसे आई एम अजय राहुल, लड़के ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। आई एम प्रेम, राहुल ने हाथ मिलाते हुए कहा। ओके ओके, आज से मैं तुम्हें प्रेम ही कहूंगा राहुल, अजय ने आंख मारते हुए कहा। राहुल कुछ देर अजय को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई। लाइफ इज नॉट इजी, राहुल ने कहा। हाँ, वो तो हम रोज ही फेस करते हैं, जिंदगी ऐसी है, रोज नई मुश्किल है। अभी कहाँ जा रहे हो ब्रो, अजय ने कहा। अभी फैसला नहीं किया है, राहुल अब भी सच नहीं बताना चाहता था। कोई नहीं, ओल्ड मनाली में मेरा घर है, अगर चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो, अजय ने कहा। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अजय का क्या करे। पहले तो उसने राहुल को पहचान लिया, दूसरा वो भी मनाली ही जा रहा है, इस तरह तो उसका राज पहले ही खुल जाएगा। राहुल का दिमाग दौड़ रहा था। वहीं अजय ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। ब्रो, मैं मुंबई में होटल मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ, मेरी दीदी चाहती हैं कि हम इलाके का सबसे अच्छा होटल चलाएं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। वैसे अभी होटल को दीदी ही चला रही है, अजय बोले जा रहा था। राहुल को उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो चाह रहा था कि अजय वहां से जाए। राहुल को लग रहा था शायद उसके पैसों की वजह से अजय उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन अजय वहीं जमा था। हाँ, आई नो, अभी होटल छोटा है, 7-8 कमरे हैं, छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन हमारे पास ही बहुत बड़ा होटल है, 5-स्टार होटल, मैपल मिस रिजॉर्ट, हम चाहते हैं वैसा ही होटल बनाएं, अजय बोल रहा था। राहुल ने अजय को घूरा, ये तो वही रिजॉर्ट है जहां राहुल ठहरने जा रहा था। माय गॉड, प्लान ही चेंज करना पड़ेगा शायद, राहुल ने मन ही मन सोचा। दोपहर चढ़ चुकी थी, ट्रेन तेजी से पटरी पर दौड़ रही थी। राहुल और अजय अब भी ट्रेन के गेट पर खड़े थे।
अजय की बातों के बीच ही राहुल के दिमाग में कामिनी रियल से भी तेज दौड़ रही थी। अब क्या प्लान कर रही होगी कामिनी? और अगर अजय ने यह खबर कामिनी तक पहुंचा दी तो फिर क्या होगा, जानेंगे अगले एपिसोड में।